संजू के ढाबे में आपका स्वागत है। इसी वक्त सब्सक्राइब बटन को दबाएं और हमारे साथ जुड़ें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाकर हर पल की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। संजू के ढाबे में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं आकांक्षा आपको बनाना सिखाऊंगी ब्रेड के गुलाब जामुन। इन गुलाब जामुनों की खास बात ये है कि इनमें हमें कोई ऐसी चीज नहीं चाहिए जो हमारे घर में मौजूद ना हो। तो चलिए हम बनाते हैं ब्रेड के गुलाब जामुन। गुलाब जामुन बनाने के लिए हम लेंगे दूध, चीनी, 5-6 पीस ब्रेड के, किशमिश, सौंफ, 2 इलायची और गार्निश करने के लिए कोकोनट पाउडर। अब हमने लिया एक बाउल, इसमें डालेंगे ब्रेड। हम पहले ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे। अब इसमें डालेंगे हम दूध। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तब तक जब तक इसका एक अच्छा सा डो ना बन जाए। अब ये थोड़ा सा हार्ड हो गया है तो इसे सॉफ्ट करने के लिए हम इसमें बाकी बचा हुआ दूध डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा अब डो बन के तैयार है। तो चलिए इसके गुलाब जामुन बनाए। अब हम इस जो की बॉल्स बना लेंगे। अब हम इसमें फिल करेंगे किशमिश। और ऐसे ही बाकी बॉल्स बनाएंगे। हमारी बॉल्स बनके तैयार हैं, तो चलिए इन्हें फ्राई करते हैं। हमने लिया अब एक कढ़ाई, कढ़ाई में डाला ऑयल, ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे अपनी बॉल्स। अब इन बॉल्स को गोल्डन ब्राउन होने तक हम पकाएंगे। अब हमारी बॉल्स गोल्डन ब्राउन हो गई हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब हम लेंगे एक पैन, इसमें डालेंगे आधा कप आरओ वाटर, आधी कटोरी चीनी और अब जो हमने इलायची और सौंफ रखी थी उन्हें हमने उनका अच्छे से एक पाउडर बना लिया है वो हम इसमें डालेंगे ताकि इसमें एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक एक तार की चाशनी नहीं बन जाती। एक तार की चाशनी बनने में 5-10 मिनट लगते हैं। अब हमारी चाशनी बन चुकी है। अब जो बॉल्स हमने फ्राई की थी वो इसमें हम डालेंगे। अब हम इसे तब तक चाशनी में रखेंगे जब तक ये चाशनी अंदर तक न चली जाए। अब हमारे गुलाब जामुन बनके तैयार हैं। अब हम इसे गार्निश करेंगे कोकोनट पाउडर से। आप इसे काजू या और किसी ड्राई फ्रूट से भी गार्निश कर सकते हैं। अब हमारे गुलाब जामुन बनके तैयार हैं, तो चलिए इसे खाते हैं और एंजॉय करते हैं। देखा दोस्तों कितनी जल्दी बन गए। अब उम्मीद करती हूँ आप इसे खुद खाएंगे, दूसरों को भी खिलाएंगे और बनाएंगे जरूर। तो फिर इसी तरीके से इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फिर मिलेंगे अगली बार नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।